सारंग प्यार भरी सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारयां दा पंजाबी कुकिंग चैनल दे विच। जे तुसी मिठा खाण दे शौकीन हो तां अज दी वीडियो तुहाडे वास्ते आ। हुण गर्मियां दे विच अंब बाजार दे विच बहुत ज़्यादा आंदे आ। अंब तों असीं कई रैसिपीज बना के तैयार कर सकते हैं। अज आपां इक मिठे की रैसिपी बना के तैयार करांगे, जिहनूं बनाउण वास्ते सानूं समान भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहीदा ते स्वाद भी इहदा इन्ना ज़्यादा वधिया होगा कि तुसीं बार बार इहनूं बना के खाओगे। इहनूं बना के हफ्ते भर लई आपां स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होगी। इह शुरू करदे आ वीडियो। बर्फी नूं बनाउण लई इक अंब लिया आ। अंब जिहड़ा तुसीं लैणा आ, एक तां नरम होना चाहीदा ते एकदम मिठा होगा ते ज़्यादा वधिया आ। ते दूसरा, अंब दे विच बहुत ज़्यादा रेशे नहीं होने चाहीदे। बिना रेशे वाला अंब आपां नूं चाहीदा। इहनूं असीं चीर लैणा आ। अंब नूं आपां चीर के तैयार कर लिया। हुण असीं लैणा मिक्सी दा जग। इहदे विच असीं कट्टिया होया अंब पा देणा। इहदे विच असीं 2-3 चमचे मिठे दे पाणे आ। मिठे दे विच आपां लवांगे धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री एक तां कैमिकल फ्री हुंदी आ ते दूसरे इहदी तसीर ठंडी हुंदी आ। साढ़े इह पेट नूं ठंडा रखदी आ। इहदी जगह ते तुसीं देसी खंड पाणी चाहो तां देसी खंड वी पा सकदे हो। मिश्री मैं पहलां ही पीस के रखी हुई आ। इहदे विच असीं 3 चमचे मिश्री पीसी हुई पा देणी आ। बिना पाणी पाए इहनूं आपां पीस लैणा आ। अंब पीस के तैयार आ। इहनूं आपां साइड ते रख लैणा आ। हुण लवांगे इक फ्राई पैन। इहदे विच पावांगे 1 गिलास दूध। दुध नूं असीं लगातार हिलांदे होए इहनूं असीं गाढ़ा कर लैणा आ। जदों तक इह अद्धा नहीं रहि जांदा उदों तक आपां दुध नूं पकाउणा आ। 1 गिलास दुध दे विच पाइया दुध आउंदा आ। दुध तुसीं उबलिया होया वी लै सकदे हो, कच्चा लैणा चाहो तां कच्चा वी लै सकदे हो। दुध नूं गाढ़ा आपां इस करके करना आ तां कि बर्फी दे विच खोए वाला स्वाद आवे। जदों तुसीं दुध नूं पकाउणा आ, इहदे साइडां दे उत्ते जिहड़ी मलाई आउंदी आ उस मलाई नूं विच ही मलाई जाणा आ। 7-8 मिनट हो गए सानूं दुध नूं पकाउंदे होए। दुध जिहड़ा पक के तैयार आ, अगे नालों अद्धा रहि गया दुध। हुण इहदे विच असीं पावांगे 1.5 कौलियां नारियल दा बुरादा। नारियल दा बुरादा तुसीं घर दे विच वी बना सकदे हो। जे बाज़ार दे विचों लै के आना चाहो तां बणिया बणाया बाज़ार दे विचों वी लै के आ सकदे हो। 2 कौलियां आपां पहलां पातीआं, अद्धी कौली इह हो गया, 2.5 कौलियां नारियल दा बुरादा हो गया। मिला देंगे हुण असीं इहनूं। दुध नूं चंगी तरह मिला लिया। हुण असीं इहदे विच पावांगे पीसी हुई मिश्री। देखो मेरे कोल पीसी हुई मिश्री सी, इस करके मैं जिहड़ी है पहला नहीं पाई, मैं हुण पाण लगी हाँ। जे तुसीं खंड दा इस्तेमाल करदे हो तां तुसीं दुध दे विच ही पा लैणा है। 5 चमचे असीं पीसी हुई मिश्री दे पाणे आ। बाकी मिठा तुसीं अपने स्वाद दे हिसाब नाल पा लैणा है। मिश्री पा के चंगी तरह आपां इहनूं मिला लिया। हुण इहदे विच पा देंगे अंब की प्यूरी। 1 कौली भर के अंब की प्यूरी लई आ। इहदे विच देखो असीं कोई भी रंग नहीं पाउणा क्योंकि अंब का ही रंग इन्ना ज़्यादा है वधिया आ कि सानूं कोई इहदे विच रंग पाउण की जरूरत नहीं। अंब की प्यूरी नूं चंगी तरह आपां मिला लिया। रंग देखो किन्ना वधिया आ। सानूं कोई भी इहदे विच रंग पाउण की लोड़ नहीं पई। जे तुहानूं लगे कि अंब पाउण दे नाल रंग जिहड़ा आ थोड़ा जिहा हल्का आ तां तुसीं लड्डूआं का पीला रंग पाउणा चाहो, 1 चुटकी पा सकदे हो।
जे केसर दे धागे पाने चाहो तो केसर दे धागे भी पा सकते हो। हुण असीं इहनूं उदों तक पकाना आ जदों तक नारियल फ्राई पेन नहीं छड़दा। सारा मिक्सचर जिहड़ा आ एकदम इकट्ठा होना चाहिए, फिर बर्फी सही तरीके दे नाल जम के तैयार होंदी आ। 5 to 6 मिनट हो गए सानू इहनूं भुंनदे होए, हले ये पूरे तरीके दे नाल इकट्ठा होना शुरू नहीं होया क्योंकि अंब दे विच भी थोड़ा जिहा पानी हुंदा, रस हुंदा, वो रस असीं पूरी तरह सुका लेना आ। 10 to 12 मिनट तक असीं इहनूं पका लिया, मिक्सचर तैयार आ बन के। देखो एकदम इकट्ठा हो गया, बिल्कुल इस तरीके दे नाल ही इकट्ठा हो जाना चाहिए आ। हुण इहनूं असीं थले तार लेना आ, थले तार के जिहड़ी ट्रे दे विच जमाना आ उहदे विच असीं इहनूं पा दांगे। बर्फी नूं मैं थाल दे विच जमा के तैयार करना आ। थोड़ा जिहा असीं इहदे उपर तेल ला देना, तेल भी ला सकदे हो, घिओ लाना चाहो तां घिओ भी ला सकदे हो। जे इहदे उपर ला दांगे असीं, मैं इह बटर पेपर लिया आ, जे ना होवे तुहाडे कोल तां तुसीं सीधा ही इदां तेल ला के बिच बर्फी पा देनी। एक सार हुण इहनूं असीं सैट कर देना है। चंगी तरह आपां इहनूं इत्थों सैट कर लिया। हुण मैं थोड़े जिहे ड्राई फ्रूट्स कट के लए आ, बदाम ते पिस्ता, ये आपां इहदे उपर पा देने आ। तुसीं चांदी दा वर्क भी ला सकदे हो जां इहदा ड्राई फ्रूट्स ला सकदे हो, जां इहनूं बिल्कुल सादा बनाउणा चाहो तां सादा भी बना सकदे हो। थोड़ा जिहा असीं इहनां नूं दब देणा आ। हुण इहनूं असीं फ्रिज दे विच रख दांगे, चंगी तरह सैट हो जूगी फिर मैं तुहानूं दिखाउंदी आ, फिर आपां इहदे पीस कटदे आ। बर्फी तैयार आ जम के, एकदम सख्त हो गई। 2-2.5 घंटे आपां इहनूं फ्रिज दे विच रख्या। फ्रिज दे विच रखण तों पहलां तुसीं इहनूं पक्खे थले ठंडा कर लैणा आ, जदों ठंडी हो जावे फिर फ्रिज दे विच इहनूं जमण वास्ते रखणा आ। हुण इहदे असीं पीस कट लैणे आ। पहला पीस जिहड़ा इहदा थोड़ा जिहा कढ़णा औखा होगा, फिर इहदे बाकी दे सारे पीस आराम नाल निकल जूगे। बहुत ज़्यादा वधिया बन के तैयार हुई है, एकदम नरम, मूँह दे विच पाउंदिआं सार ही इहने घुल जाणा आ, इन्नी ज़्यादा इह नरम बणी आ। अंब ते नारियल की बर्फी तैयार आ बन के। बर्फी बहुत वधिया बन के तैयार हुई आ। तुसी इस बर्फी नूं बना के स्टोर करके रख सकते हो, खराब नहीं हुंदी। कदी भी तुहाडा मिठा खाण दा जां मन होवे तां तुसी फटाफट इस बर्फी नूं बना के खा सकते हो। इस तरीके दे नाल इहनूं बना के खायो। वीडियो नूं प्लीज़ लाइक ते शेयर जरूर करिया करो। चैनल ते पहली वारी आके वीडियो देखते पे हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करके जायो। वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।